खुशी हमें इतनी है कि मन में न समाए, पलक बंद कर लूं कि लालू जी को दिल में है बसाए। लालू प्रसाद यादव एक अवतार हैं, न्याय करत पर सवार हैं, दुश्मन इनके बहुत सारे पर दोस्त इनके बड़े प्यारे न्यारे। साजिश करके कुछ इनके अप्रिय लोगों ने, दुष्टों लोगों ने भेजा इनको कई बार जेल। दिल दीवाना बिन लालू प्रसाद यादव के माने ना, पूरे देश क्या दुनिया में लालू प्रसाद यादव के अलावा इस चेहरा का और चेहरा कोई पहचाने ना। लोग तुमने कहने लगे हैं छलिया है अनाड़ी, विजय बिहारी को छलिया है अनाड़ी है, पर मैं तो ही कहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, पूरे देश नहीं, दुनिया के राजनीतिक सबसे बड़े खिलाड़ी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देखने मैं हूँ आपके साथ वंदना। आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजद दफ्तर आएंगे, लगभग 4.5 साल के बाद वो आएंगे तकरीबन। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के प्रवक्ता सारिका पासवान, और इनसे मेरा सवाल है कैसे उनका स्वागत करने के लिए आप तैयार की हैं? देखिए, स्वागत तो पूरे बिहार की जनता करने के लिए तैयार है, और ख़ास करके आज पार्टी कार्यालय में आप सब जान रही हैं कि लालटेन का उद्घाटन करने के उपलक्ष्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। इंतजार है, कुछ ही पल में वो यहाँ आएंगे और अपने हाथों से वो इसका उद्घाटन भी करेंगे। पूरी उत्साह है लोगों में, पूरे कार्यकर्ता पदाधिकारी सारे लोग यहाँ उपलब्ध हैं, तो सारे लोग में बहुत जोश है और इंतजार कर रहे हैं उनके आने का। पहले ही राजद दफ्तर में 2-3 दिन पहले से ही एंट्री बंद थी, पर्दों से ढक दिया गया था, यानी विशेष तैयारी चल रही थी। जी बिल्कुल, क्योंकि वो लालटेन बड़ा ही अनूठा है और हमारे पार्टी का वो एक चिन्ह भी है, वो सब लोग जानते हैं, तो उसकी तैयारी के लिए ये तमाम ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसको हम लोग चाह रहे थे कि आज के दिन वो पर्दा हटे और लोगों के सामने वो दिखाई दे। विपक्ष कह रहा है कि ये बिजली के दुनिया में अब लालटेन की क्या आवश्यकता है? देखिए, विपक्ष ने तो कुछ आज 15 सालों में कुछ किया है नहीं। आज अगर हम उनसे उनकी उपलब्धि पूछते हैं तो वो बता तो पाते नहीं हैं, तो अब उनके पास काम क्या? हमेशा तो लालटेन, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के भरोसे तो इनकी सरकार चल रही है। अगर वो नाम ना ले दिन में तो उनको कोई पूछे ना। जब हम उनसे विकास की बात करते हैं तो वो बात करते हैं कि तेजस्वी यादव जी कहाँ हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर क्यों इतनी बिगड़ी हुई है, तो अब वो बिजली और रोशनी, भाई आप बताइए, मैं तो सरकार से पूछना चाहती हूँ कि कितने पावर प्लांट हैं उन्होंने लगाया है जब बिजली की बात करते हैं तो। और बिजली के रेट बिहार में कोई कल कारखाने उद्योग नहीं है, बावजूद इसके पूरे भारत में सबसे महंगा बिजली आप समझ लीजिए दूसरे अगर नंबर पर है कहीं तो वो बिहार की है। तो ये इनकी उपलब्धि है, महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, बिगड़ी हुई व्यवस्था, ये तमाम चीज़ें जो हैं वर्तमान सरकार के पिछले 15 साल के शासनकाल के बावजूद भी इनके यही उपलब्धि है, तो ये करेंगे क्या? ये तो बातें ही बनाएंगे। ठीक, पहले की तरह लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पार्टी दफ्तर पहुँचेंगे, आप कौन सी ऐसी बातें जो हैं उनसे करने वाली हैं? नहीं, हम सब कुछ ऐसी बातें नहीं है, उनका आशीर्वाद हमें सबको चाहिए, सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, ये अलग ही मतलब माहौल होने वाला है, तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं और हम सब लोग उनकी दीर्घायु और उनकी मंगल कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य लाभ जल्दी से वो प्राप्त करें। कितने बजे लगभग अनावरण होगा? लगभग 12:10 का है टाइम, तो उस हिसाब से उस टाइम में हो जाएगा। बिल्कुल, हमारे साथ एक नई मुखिया बनी है और बाजी मारी है, हमारे साथ माफ कीजिएगा, आप जो भी आप अपना पहले अपना परिचय बता दीजिए। आज का जो परिचय अपना पहले बता, मेरा परिचय हुआ, मैं उषा देवी, गया जिला, फतेहपुर प्रखंड बोधगया विधानसभा से पंचायत समिति हूँ, अभी फिर चौथी बार चुनाव जीती हूँ और प्रदेश में महिला प्रकोष्ठ सचिव भी हूँ। क्या कहेंगी आज लालू यादव पार्टी दफ्तर पहुँच रहे हैं? आज खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रहे हैं, इस खुशी पर पूरे बिहार में सभी को दिल से एकदम इतना हौसला है कि मत पूछिए। और ये जो पूरे देश में जो सरकार बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जी सबको झांसे में ला रहे हैं, ठीक है ना, और झांसे में ला रहे हैं और झांसे में ला कर सभी हमारे देश को जिस तरह से हमारे नरेंद्र मोदी जी बुद्धू बनाया जा रहा है और सबको झांसे में ला के 3 बिल कानून को जो वापस दिए हैं उसी के लेकर जो हमारे आज राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में जो लालटेन का उद्घाटन होने जा रहा है, इसलिए नीतीश कुमार को अंधेरे में रख दिया जाएगा और पूरे बिहार में हमारे लालटेन का इंजोरा आज हमारे श्री लालू प्रसाद यादव जी जलाने जा रहे हैं। तो जो महिलाओं का जोश है, महिलाओं में जो ताकत है वो कम नहीं है। देखिए, विनय बिहारी जी हैं और ये शुरू से आप एक नए नए अंदाज में प्रचार प्रसार करते हैं लालू जी का, और आप उनके ही अंदाज में कुछ टोन भी निकालते हैं करते हैं। आज कितनी खुशी हो रही है, खुद वो स्वयं आ रहे हैं राजद दफ्तर में, तो खुशी हमें इतनी है कि मन में न समाए,
पलक बंद कर लूं कि लालू जी को दिल में है बसाए। मैं बताना चाहता हूं, मैं समझाना चाहता हूं, अरे लालू जी के बारे में हम क्या बात करेंगे, या मान के चलिए कि लालू प्रसाद यादव हमारे आत्मा में है। लालू जी का पराछूट, लालू जी का लक्षण हमको, लालू जी का लक्षण हमार को मिल गया है। ये इसलिए ए विनय बिहारी दीवानगी को पार कर गया है, और नकदी नहीं उधार कर गया है, हजार कर गया है। मैं बताना चाहता हूँ और मैं समझाना चाहता हूँ, लालू प्रसाद यादव जी ने, लालू प्रसाद यादव जी सबको बताए हैं, सबको सिखाए हैं और सबको बोलना सिखाए हैं, पर एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में 200 बच्चे पढ़ते हैं, कोई IAS अफसर बन जाते हैं, कोई इंजीनियर बन जाते हैं। आप जो दूसरे को बिस्किट खिलाते हैं और कई तरह के सामान खिलाते, आज खाएंगे आपके बिस्किट लालू? आज ये जो सारा बिस्कुट है ना, वो सारे बट जाएंगे और ये भी गाड़ी जाएगी मीठापुर। हाँ, लालू जी पेड़ा खाएंगे हमारा, हाँ खिलाते हैं, खिलाए हुए हैं और पेड़ा खाएंगे। और मैं अभी जाऊंगा यहाँ से, ये रथ बन कर आएगी और मीठापुर में मिठाई बनवा रहे, रसगुल्ला अब सबको बांटेंगे, रसगुल्ला बनवा रहे, सबको बांटेंगे, रसगुल्ला बनवा रहे। प्रसाद यादव पे कुछ गाना गाइए। हाँ, लालू प्रसाद यादव गाना, मैं ये गाना गाता हूँ। लालू प्रसाद यादव एक अवतार हैं, न्याय के रथ पर सवार हैं, दुश्मन इनके बहुत सारे पर दोस्त इनके बड़े प्यारे न्यारे। साजिश करके कुछ इनके अप्रिय लोगों ने, दुष्टों लोगों ने भेजा इनको कई बार जेल, फिर भी इनकी साजिश भी नहीं चलता, इन पर कोई साजिश भी खेल। गाना गाइए, गाना गाना गाइए, कुछ बस गाना ही है कि दिल दीवाना बिन लालू प्रसाद यादव के माने ना। पूरे देश की दुनिया में लालू प्रसाद यादव के अलावा इस चेहरा का और चेहरा कोई पहचान ना। लोग तुमने कहने लगे हैं छलिया है अनाड़ी, विनय बिहारी को छलिया है अनाड़ी है, पर मैं तो ही कहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, पूरे देश नहीं, दुनिया के राजनीतिक सबसे बड़े खिलाड़ी। तो आप सुने कि कितने खूबसूरत कविता और ये गाना गाएं लालू प्रसाद यादव के, जबरा फैन हैं, और फैन ही नहीं बल्कि हमेशा इनका एक अनोखा अंदाज रहा है और कई तरह अपने वेश बदल करके, अपने लिबास बदल करके लालू प्रसाद यादव के लिए प्रचार प्रसार करते रहे हैं। और आज इनके चेहरे की खुशी साफ तौर से बता यही रहा है, यही मैसेज दे रहा है कि लालू प्रसाद यादव के आने की खुशी में ये आज जो है सब कुछ न्यौछावर करने वाले हैं, यानी इनके पास जो भी खाने वाले जो है सामान रखे हुए हैं ये सब लुटा देंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि लालू प्रसाद यादव कब पार्टी दफ्तर पहुंचते हैं और इनका जो कार्यक्रम है ये जो अपने तरफ से तैयारी किए हुए हैं लालू प्रसाद यादव, उसको किस रूप में लेते हैं। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।